भारतीय सिनेमा में निर्भरसना की सुनामी लाने वाली फिल्म आदि पुरुष का सभी तबकों से विरोध हो रहा है। उसी श्रेणी में भारतीय जनता पार्टी उत्तर भारतीय मोर्चा की ओर से शहर अध्यक्ष सुरेंद्र पांडे की अगुवाई में नागपुर स्थित पंचशील टॉकीज के सामने तीव्र विरोध प्रदर्शन किया गया। इस समय सुरेंद्र पांडे ने सेंसर बोर्ड के कार्य पर सवालिया निशान उपस्थित किया। दरअसल मनोज मुंतशिर द्वारा लिखित फिल्म आदिपुरुष में दिखाए गए दृश्य और संवाद पूरी तरह से रामायण में लिखित पटकथा संवाद से विपरीत है। विशेष तौर पर लंकेश रावण का किरदार पूरी तरह से खलनायक की तरह दिखाया गया है। इस बात पर नाराजगी व्यक्त करते हुए सुरेंद्र पांडे ने कहा कि रावण की भूमिका जो भी रही हो, लेकिन लंकेश शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे और आदिपुरुष में दिखाए गए किरदार में रावण को पूरी तरह भगोड़े तैमूर की तरह दिखाया गया है, जो काफी शर्मनाक बात है। आदिपुरुष ने पूरी तरह सनातन धर्म का मजाक बना रखा है। साथ ही साथ पांडे द्वारा सेंसर बोर्ड की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए गए हैं। इस वक्त लंकेश हम शर्मिंदा है, सिनेमा वाले जिंदा है के नारे लगाकर विरोध पेश किया गया। लंकेश्वर हम शर्मिंदा है, सिनेमा वाले जिंदा है। लंकेश्वर हम शर्मिंदा है, सिनेमा वाले जिंदा है। हमारा यही आक्षेप है कि जिस तरह से इस चित्रपट के अंदर, इस सिनेमा के अंदर में रावण को चरितार्थ किया गया है, ये टोटली गलत है, ये बिल्कुल ही गलत है। रावण त्रिपुल तिलक के बगैर शिवजी के भक्त रावण, जिसको यहाँ पर भगोड़े तैमूर की तरह, जिसने हजारों हिंदुओं का वध किया है, इस तरीके का चरितार्थ किया हुआ है ये पिक्चर में। इसका सनातन धर्म के लोगों को, हिंदू के लोगों को जो आहत हुआ है, उसका ये रोष है। हम निवेदन करना चाहते हैं सरकार से भी और वो सिनेमा बोर्ड से भी, चित्रपट बोर्ड से भी, जिन्होंने ऐसे सिनेमा प्रस्ताव पारित किया, इनको सर्टिफिकेट दिया सेंसर बोर्ड ने। सेंसर बोर्ड पे भी आज हमको शर्म आती है। हर कोई उठ के कोई भी फिल्म बना लेता, अंधे है क्या? पूछना चाहती है जनता, सनातन धर्म को मजाक समझ के रखे है। हम ये संदेश देना चाहते हैं कि इसके आगे आने वाली जो भी फिल्में है, वो सेंसर बोर्ड अपने जिम्मेदारी को जानते हुए और सर्टिफिकेट इशू करे। आज जब हम बात कर रहे हैं इनसे, ये हमको सर्टिफिकेट दिखाते हैं, हम नहीं मानते ऐसे सर्टिफिकेट को। हम शर्मिंदा है। रावण हो तो क्या हुआ, शिव जी के भक्त थे, तैमूर की तरह उसका चरित्रार्थ किया हुआ इन लोगों ने, हिंदू धर्म को मजाक बना के रखा इन लोगों ने। ये पैसे के अपना नाम कमाने के लिए पहले कुछ भी प्रस्तुत कर देते, उसके बाद में कट कर देते सीन। ये कौन सा धंधा है? सिर्फ सनातन धर्म के ऊपर में नहीं है इनमें बाकी लोगों के बारे में बोलने का धमक। सनातन आदमी में पेशेंस है, उसका ये फायदा उठाते हैं। हमारे धैर्य की परीक्षा मत लो। आज हमने आंदोलन किया है, कल हम FIR लॉन्च करेंगे। लेखक शर्मिंदा है हम तुम पे, मनोज मुंतशिर जी हम शर्मिंदा है। आप हमारे कभी गौरव हुआ करते थे, आज हम शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं। आपने जो चंद पैसों के खातिर हिंदू सनातन धर्म को बेचने का जो काम किया है, इसके लिए हम आपकी भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं। बेशरम आदमी, मैं सुरेंद्र पांडे, भारतीय जनता पार्टी उत्तर भारतीय मोर्चा, नागपुर शहर अध्यक्ष। NBC न्यूज के लिए राजकुमार मोड़ के साथ मनीष टेम्बरे की रिपोर्ट।